दोस्तों, हमारे पिछले वीडियोज में आपने देखा पिथौरागढ़ और अन्य जिलों के रमणीक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चल रहे पिथौरागढ़ के एक और रमणीक स्थल और मंदिर की ओर, जिसका नाम है चंडिका धुरा। पर्यटक आवास ग्रह से हम लोग इस समय आगे बढ़ रहे हैं और लेकर चलते हैं आपको चंडिका धुरा की ओर को, जो कि पिथौरागढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो मजे लीजिए इस वीडियो का और देखिए हमारे इस वीडियो को। चलते हैं चंडिका धुरा की ओर। ये जो रास्ता है चंडा की ओर को जाता है, जिस रास्ते में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चंडिका धुरा मंदिर की ओर को, पिथौरागढ़ से चंडाक की जो दूरी है वो है लगभग 5 किलोमीटर और उससे कुछ दूरी पर चंडिका धुरा मंदिर स्थित है। पिथौरागढ़ का ये क्षेत्र लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, सुबह हो चाहे शाम हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं और सोर घाटी के सुंदर दृश्य का यहाँ से नजारा लेते हैं। ये सामने एक खूबसूरत जगह है जहाँ से पिथौरागढ़ का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। आज मौसम भी बहुत ही शानदार है, आसमान में कुछ बादल भी हैं, धूप खिली हुई है। पिथौरागढ़ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह फैक्ट्री स्थित है, जिसकी जो हालत अब है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे यशवंत पहले से खड़े हुए और इस फैक्ट्री का अवलोकन करना है, शायद कुछ खबर बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यशवंत, किस तरह से देख रहे हैं इस फैक्ट्री को, जहाँ पे की बहुत सारे लोगों को एक बार रोजगार मुहैया हुआ करता था? दीपक जी, बड़ा अफसोस होता है। देखिए, एक समय ये 80 या 90 के दशक में इस क्षेत्र की एक खान हुआ करती थी ये फैक्ट्री, क्योंकि इस फैक्ट्री के एरे फेरे में जितने भी गांव हैं, चाहे हम बजेटी कहें, चाहे हम इस तरफ की बात करें, पवन पब्लिक की बात करें, तो यहाँ के लोगों का एक अच्छा सा रोजगार का एक माध्यम हुआ करता था। यहाँ पे रोजगार लोगों के लिए उपलब्ध था और जब से ये फैक्ट्री बंद हुई है तो ये रोजगार भी बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, लोगों का यहाँ से पलायन हो गया है, बाहर अच्छे अच्छे लड़के बाहर चले गए हैं। और इस फैक्ट्री को बंद होने के पीछे जो कारण है वो मैं तो यहाँ के लोगों का हाथ मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से एक उद्योगपति बाहर से आता है, फैक्ट्री लगाया जाता है, जो हम लोग सुनते हैं, हम तो फिलहाल उस समय छोटा हुआ करते थे कि आए दिन उसको परेशान करना, ये करना, वो करना, और उसने बेचारा इतना परेशान हो गया कि उसने पूरा छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गया। और देखिए, एक समय यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती थी, लोग आते थे यहाँ पे, वो काम करते थे, अपना रोजगार हुआ करता था, लेकिन अब इस फैक्ट्री, इस वीरान पड़ी फैक्ट्री को देखकर बड़ा अफसोस होता है। और जिस तरह से सरकारें कहती हैं पलायन पलायन की बात सरकार बार बार करती है, और जिस तरह से बन बनाई फैक्ट्री थी यहाँ पे बंद पड़ी है, कई बार यहाँ पे हमारे नेताओं ने इसको खुलवाने की कोशिश करी लेकिन कोई हाथ नहीं आया। कुछ ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस सोर घाटी के लिए, कि जहाँ पर रोजगार के लिए बहुत सारे अवसर मौजूद थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे थे। इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद पलायन तो हुआ ही हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान इस पिथौरागढ़ को हुआ है। अब जब हम वर्तमान में देखते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से ये फैक्ट्री है, एक तरह से कह लो कि ये कबाड़ हो चुकी है, तो इसको देखने के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पर पर्यावरण को और ज्यादा गंदा कर रहे हैं।
ये जो नजारा हमारे सामने है यहाँ पे बैठ करके अगर हम देखें तो ये पूरी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, पॉलिथीन है इसमें, बोतलें हैं और भी अन्य सामान आप देख सकते हैं यहाँ पर को, और जो कि बहुत ही गंदा है और गंदगी यहाँ पर मचाई हुई है। हम लोग बहुत कहते हैं कि पर्यावरण को साफ करें, अपने शहर को स्वच्छ रखें और जिससे कि अपना स्वास्थ्य भी सही होगा और हमारा जो नेचर है वो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, ये जो इलाका है ये इस पिथौरागढ़ का बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, पर्यटक जो है बाहर से जो लोग आते हैं अभी देखते हैं, लेकिन इस पर्यटक स्थल पे बहुत बड़ा दाग और लग चुका है। जो अभी हाई टेंशन लाइन देख रहे हैं नहीं, ये सीधे धौली गंगा से जाती है, इस हाई टेंशन लाइन ने भी इस क्षेत्र की सुंदरता में बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों ने सोचना चाहिए था इस लाइन को शहर के बीचों बीच में जाके इसके पीछे से जाती तो और बढ़िया होता, क्योंकि ये बहुत सुंदर इलाका है, यहाँ से जो शहर का व्यू दिखता है बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो आप हाई टेंशन लाइन देख रहे हैं ना, इसने भी बहुत मतलब एक धब्बा लगा दिया है शहर के अंदर। एक समय में यहाँ से इस क्षेत्र से पैराग्लाइडिंग हुआ करती थी और जो पैराग्लाइडिंग के शौकीन है वो आसमान में उड़ा करते थे, रंग बिरंगे पैराग्लाइडर पिथौरागढ़ के शहर से यहाँ पर आसमान में देखे जा सकते थे। लेकिन जब ये हाई टेंशन लाइन इस मार्ग से निकाली गई उसके बाद से वो जो पर्यटक के क्षेत्र में काम कर रहे युवा लोग थे, पैराग्लाइडिंग करते थे, उनकी पैराग्लाइडिंग भी बंद हो गई और ये कहें कि पर्यटन उद्योग को भी इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आगे चलते हैं, तो हम फैक्ट्री के बाद चल पड़े हैं अपने आगे के सफर में जो कि चंडिका धुरा है। वैसे तो कई मार्ग हैं उस मंदिर को जाने के लिए, लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन जो आज हम जाएंगे चंडाक से छेड़ा वाले रास्ते पे जाकर के वहां से जहां तक भी मोटर जाएगी और उसके बाद जो पैदल यात्रा है वहां से हम लोग वो करेंगे मंदिर तक। ये है चंडाक, अच्छी खासी एक बस्ती है, यहाँ पर बहुत समय से लोग रहते हैं और यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना आर्थिक स्थिति के लिए काम करते हैं। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है मुष्टमानो मंदिर जो कि बारिश के देवता के रूप में इस क्षेत्र में विख्यात है और प्रसिद्ध है। हमारे पिछले वीडियोज में आपने मुष्टमानो मंदिर के बारे में जानकारी देखी होगी, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने मुष्टमानो मंदिर का वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे स्पेस चैनल में इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर होने वाला भव्य मेला, उसके पूरे विजुअल और उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल में मिल सकती है। ये रहा मुष्टमानो मंदिर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा शिवलिंग का पेड़ है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते आया है और अभी भी करता है। हम लोग छेड़ा से दूसरे रास्ते को कट गए हैं।
ये वो जगह है जहाँ पे अगर बादल ना होते तो पूरी हिमालय की श्रृंखला यहाँ से देखी जा सकती थी, चाहे वो पंचाचूली हो, चाहे वो नंदा देवी की चोटी हो, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से देखी जा सकती है। और हम मोटर मार्ग के उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से चंडी का मंदिर के लिए पैदल यात्रा करनी होगी। यहां पे बोर्ड लगा हुआ है माँ चंडी का दरबार। अपना वाहन हम सड़क के किनारे खड़ा करने के बाद अब यहां से यात्रा करते पैदल, जो कि कुछ ही दूरी पर है। और चंडी का धुरा मंदिर, जिसे कहा जाता है चंडी का माँ का यहाँ पर वास है। एक और चंडी का घाट मंदिर है, ये भी कहा जाता है कि वहीं से लाकर के देवी को इस जगह पे स्थापित किया गया है जहाँ पर आज हम आपको लिए चल रहे हैं। बहुत सुंदर सा वहाँ पर मंदिर है और निश्चित ही आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं चंडी का धुरा मंदिर की ओर। सड़क मार्ग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है चंडी का धुरा मंदिर जहां हम आपको आज ले चल रहे हैं। ये जो पगडंडी है, इसी पगडंडी के रास्ते से हम लोग माँ चंडी का के मंदिर की ओर को जा रहे हैं। जगह जगह पे आपको दिखाने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं कि आप सही रास्ते पे जाएं। माँ चंडी का मूल मंदिर, यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि माँ चंडिका का मूल मंदिर बताया जाता है, थोड़ी सी ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर है। लेकिन हम लोग अभी चंडिका धुरा मंदिर की ओर को जा रहे हैं। इस समय जो ये वक्त है, ये बरसात के बाद का समय है और यहाँ पर झाड़ियाँ रास्ते में दोनों ओर से बड़ी हुई हैं। वैसे तो इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बांज के जंगल यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम चंडी का धुरा मंदिर की यात्रा में केवल दो लोग हैं, मैं और सुनील भट्ट जी। हम दोनों ही आपको इस मंदिर के दर्शन कराने लेकर के चल रहे हैं और यकीन मानिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सुंदर वो मंदिर बना हुआ है, लोगों ने बड़ी आस्था से उस मंदिर को बनाया है जहाँ पर देवी को स्थापित किया है। और यही कारण है कि क्षेत्र के लोग सुख समृद्धि से भरपूर हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं बांज के घनघोर जंगल के बीच में। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ रास्ता ना भटके इस वजह से निशान लगाए गए हैं। ये देखिए इस तरह निशान यहाँ पे बंधे हुए हैं दोनों ओर से। जंगली जानवरों का भी यहाँ पर खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमारा सुझाव है कि आप जब भी यहाँ आए तो सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ एकाध डंडा जरूर रखें। पुल की चढ़ाई है और पेड़ों के बीच में से
सूरज की रोशनी भी झांक रही है, तो अच्छी खासी रोशनी है अभी। बरसात के सीजन में सुनील भाई ना यहाँ पे बहुत सारे जोंक लगते हैं, क्योंकि बांज का जंगल है और ऊपर से बरसात, पैरों में जोंक। अच्छा होता है जोंक लगना भी, शरीर का गंदा खून चूसता है जोंक। कहीं कहीं तो इसकी थेरेपी भी की जाती है। थोड़ी दूरी पे हमारा यहाँ पे जो मंदिर है वो रह गया है, और उसके बाद देखिए क्या रमणीय स्थल है। पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा शानदार ये जगह बन सकती है। शासन प्रशासन अगर इस ओर ध्यान दे और इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करना चाहे, तो पिथौरागढ़ में एक बेहतर स्थान ये भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है। हमारे बनाए हुए वीडियो और जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं, आप उसको देखते हैं, सराहते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो चाहे हम अकेले क्यों ना जाएं, चाहे हम दो लोग ही क्यों ना जाएं, आप लोगों को इन चीज़ों से रूबरू कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जो कि मोटर मार्ग से हमने अभी तक लगभग 15 मिनट में पूरा किया है, और हम चंडिकाग के उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हम लोग आपको लेकर के आने वाले थे। पिथौरागढ़ नगर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंडिका धुरा मंदिर अपनी खूबसूरती और माता चंडिका की अलौकिक शक्ति के लिए विख्यात है, जो ग्राम मड़खड़ायत के तोप वर्मा धुरा नामक शिखर पर विराजमान है। पंद्रहवीं शताब्दी में रामगंगा नदी के किनारे स्थित चंडिका घाट से लिंग रूप में लाकर माता चंडिका को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। तभी से इस स्थान पर माँ चंडिका की पूजा अर्चना की जा रही है। माता चंडिका को समर्पित इस मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी श्रद्धालुओं की भी बड़ी आस्था है। घने जंगल के बीच स्थापित माता के इस मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर नवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन व पूजा पाठ करने दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। माता चंडिका को रौद्र, प्रेम और न्याय के लिए जाना जाता है। आराध्य देवी होने के नाते माँ चंडिका स्थानीय लोगों की प्राकृतिक प्रकोप से सदैव रक्षा करती है। दूर दूर से मंदिर पहुंचने वाले अपने भक्तों की आराधना को देखते हुए माँ चंडिका उन्हें भी सुख, समृद्धि और कल्याण के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है। जहाँ शुरुआत में मंदिर का स्वरूप प्राचीन शैली की तरह बहुत छोटा था, तो वहीं प्रतिष्ठा के बाद से
अब तक 3 बार जीर्णोद्धार कर मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। चंडिका मंदिर के प्रांगण में माँ के मंदिर के सामने जो स्थान है वहाँ पर को श्री बटुक भैरवनाथ को स्थापित किया गया, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पर तेल चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता देखकर एवं यहाँ के स्वच्छ शांत वातावरण में श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। अगर आप सुंदर पक्षियों को देखने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए यह जगह और भी खास है। बची जाएगी, बचाने को तो बचा देंगे हम इसको। जब अबू रुक, अरे रुक, छोड़ेंगे इसको। ये इन्होंने रेस्क्यू किया अभी अभी एक बर्ड वाचिंग करते करते जाल में फंस गई थी, इसके पंजों में भी ये आपे को जाल लगे हैं। आस्था के केंद्र माता चंडिका धुरा मंदिर और परिसर पर यदि ध्यान दिया जाए तो एक सदाबहार पर्यटन स्थल के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। हमने आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहा चंडिका धुरा मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ के बहुत ही नजदीक है और एक बहुत सुंदर रमणीक स्थान है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु तो आते ही हैं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत ही सुंदर है और रमणीक है। यहाँ से सोर घाटी का दृश्य देखा जा सकता है, पंचाचूली हो चाहे नंदा देवी की चोटियां हो, वही यहाँ पर से देखी जा सकती है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, हमारी किसी भी पोस्ट को त्वरित अपने स्क्रीन में देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।